बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए पाउंड केक की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। फिर यहाँ मैंने 150 ग्राम मिल्कमेड लिया है अमूल का, फिर वन हाफ कप और 1/4 कप मैदा लिया है, वेनिला का इसेंस और या 1/4 कप और 1.5 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। चलिए हम अभी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बटर ले रही हूँ, इसे हम बीट कर लेंगे। अब ये सब बटर मैं बीट कर लूँगी। आधा मिनट हमें इसे बीट करते रहना है। अभी हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे और अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम एक छानने में अलग बाउल में मैदा और बेकिंग सोडा छानेंगे। यहाँ बेकिंग सोडा मैंने 1/4 और 1/8 टीस्पून लिया है। अब हम इस मैदे को बैटर में धीरे धीरे मिक्स करते हुए डालेंगे। अब मैंने 180 डिग्री पे ओवन प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। और 30 ml पानी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक टेन लिया है, जिसे मैंने बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और फिर यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। ये केक आपको इसी टिन में बनाना है। आपके पास ये टिन नहीं होगा तो आप अपना रेगुलर टिन लेके उसमें एक बर्तन रख के बेक कर सकते हैं। केक अभी बेक होने के लिए रख दिया है। ये देखिए कितना डिलीशियस हमारा पाउंड केक रेडी हो गया है। अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।